जिला धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में जहां एक ओर पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन ने भाग लिया, वहीं भारी संख्या में निजी स्कूल के बच्चों ने भी इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। एचपी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने स्कूली बच्चों व हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के समस्त स्टाफ को 15 अगस्त की बधाई दी और विभिन्न निजी स्कूलों के बच्चों को लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। सांसद किशन कपूर ने कहा कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा बोर्ड द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। जिला कांगड़ा में उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने जिला के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लहराए। देखिए, स्वराज, स्वराज क्या है ये हम आप सभी जानते हैं। यह एक धारावाहिक है जो 75 एपिसोड में दूरदर्शन डीडी नेशनल ने बनाया है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1948 से लेकर के अब तक की समग्र गाथा उसमें पिरोई गई है। और इस सीरियल को प्रत्येक रविवार को डीडी नेशनल पर रात 9 बजे से 10 बजे तक शुरू किया जाएगा। ये 14 अगस्त से पहला एपिसोड आरंभ हो रहा है और एपिसोड प्रत्येक रविवार को 9 बजे से 10 बजे तक 75 सप्ताह तक लगातार दिखाया जाएगा। और इसमें जो अभी मैंने अपने संबोधन में कहा था कि इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने प्रयास किया है और इतना ही नहीं बल्कि 9 भाषाओं में इसकी डबिंग की जा रही है और इनकी डबिंग करके वहाँ की आंचलिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली और असमिया। इन भाषाओं के का जो प्रसारण है वो दूरदर्शन के रीजनल चैनल पर भी किया जाएगा, जो वहाँ के स्थानीय चैनल हैं, रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस सीरियल का केवल दूरदर्शन पे ही नहीं, हमारे आकाशवाणी के जो केंद्र हैं पूरे भारत में स्थित सभी केंद्रों से प्रत्येक शनिवार को दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। N1 की खास रिपोर्ट।